इसी के साथ ये अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जो कि इस वक्त की अहम खास और बड़ी खबर है। चलिए देखते हैं इस बड़ी खबर को। 25 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष बाद आज उन्हें दोषी घोषित करते हुए दंड दिया गया है। 25 लाख की लूट में 20 वर्ष का कारावास, दोनों आरोपियों पर जुर्माना 1 लाख का। आज ही के दिन इस लूट की घटना को अंजाम दिया था और आज ही दंड मिला है। मध्य प्रदेश जिला देवास खातेगांव के अपर सत्र न्यायाधीश खातेगांव जिला देवास ने सजा सुनाई है और आपको बता दें कि इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं शासकीय अधिवक्ता राजकुमार यादव। मामला ये है कि दिनांक 20/12/2017 को एसबीआई शाखा खातेगांव के सामने सहकारी समिति के द्वारा जो पैसे की निकासी करके 25 लाख रुपए सहकारी संस्था में जा रहे थे, उसे इन लोगों ने उस 25 लाख को लूट लिया था और लूट के संबंध में ये न्यायालय में मामला चला और आज इस मामले को लेकर आज न्यायालय द्वारा इन्हें दोषी पाते हुए 392/34 और 120B षड्यंत्र के आरोप में इन्हें दोषी पाया गया। दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा और 25,000 के जुर्माने से दंडित किया गया है और दोनों धाराओं की जो सजा है वो पृथक भुगताई जाएगी, ऐसा आदेश माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया। क्या नाम है आरोपियों के? एक आरोपी का नाम है संग्राम पिता हरि प्रसाद और दूसरे का नाम है रुपेश पिता संकल्ला। सर, इसमें चार आरोपी दो आरोपी जो है बाल न्यायालय के अंतर्गत उन्हें बाल न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है। हमारे पास जो दो आरोपी थे उन लोगों को आज माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया। भारतीय स्टेट बैंक के सामने कुछ बदमाशों ने लूट को दिया था अंजाम। आज ही के दिन प्रातः 11:35 पर लूट को अंजाम देने के बाद आरोपियों थे फरार। पुलिस व जनता के सहयोग से उन्हें धर दबोचा था। आज 2 वर्ष बाद अपर न्यायालय खातेगांव द्वारा उन्हें दोषी पाते हुए कारावास व 25,000 के दंड से दंडित किया गया है। देखें खास रिपोर्ट खातेगांव से प्रवीण गंगराड़े के साथ।